किशन साहब कैमरा वाइज होते। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो उसमें जो टॉपिक है असेल्युलर लाइफ जिसमें वायरसेस हैं। असेल्युलर जैसे कि आपको पता है कि वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता। जैसे एक आम सा क्वेश्चन होता है, अक्सर आपने देखा होगा प्रीवियस टेस्ट या इस तरह के, वायरस की कौन सी किंगडम है, किस किंगडम से बिलोंग करता है वायरस। तो वायरस की कोई भी किंगडम नहीं है। जो करंट क्लासिफिकेशन में सिस्टम है उसमें, वाई बिकॉज वायरसेस आर असेल्युलर इन नेचर। जैसे हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एटलीस्ट सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जो भी लिविंग थिंग है तो उसमें सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जब सेल ही नहीं है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है, तो इसको लिविंग थिंग कंसीडर नहीं किया जा रहा है आजकल। जैसे प्रीवियसली किसी दौर में इनको लिविंग थिंग तस्वर किया गया था, पहले इनको पॉइजन तस्वर किया गया, देन लिविंग थिंग तस्वर किया गया, देन नॉन लिविंग थिंग तस्वर किया गया, देन एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पे जो रखा गया है, करंट जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के हवाले से, एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। असेल्युलर लफ्स को हम जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि असेल्युलर क्या है, अ रेफर्स टू नो नो सेल्युलर रेफर्स टू सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जिसमें यकीनन जैसे आइदर यूकैरियोटिक सेल जो भी है, तो उसमें आपने देखा होगा एक सेल वॉल का होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन का होना चाहिए, न्यूक्लियस का होना चाहिए, साइटोप्लाज्म का होना चाहिए, सेल्युलर ऑर्गेनेल्स का होना चाहिए। अंदर यकीनन वेरियस एंजाइम्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। जब वायरसेस के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ना ही इसमें जो है सेल वॉल है, और ना ही कंप्लीट एक जो है सेलुलर मशीनरी है एंजाइम। तो चंद एक वायरस है, मे भी उनमें चंद एक अपने पर्पज के लिए एंजाइम है, बट होस्ट के अंदर जो उनका जो है लाइक एक्शन होता है। तो बट जैसे कहने का मतलब है, सेल जैसी कोई भी मशीनरी नहीं है, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये असेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यानी वायरसेस की कैटेगरी है असेलुलर इन नेचर, असेलुलर अ रेफर्स टू नो असेलुलर लाइफ है। जो हमारे एनटीबी के अंदर जो सिलेबस के अंदर हेडिंग्स हैं, एनटीबी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस हैं, ये एनटीबी का ही पार्ट जैसे रखा गया है। डिस्कवरी ऑफ वायरस है, हाउ वायरसेस वर डिस्कवर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस है, वायरल डिजीज है जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे एड्स है, एड्स की डिटेल में डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरी वायरल डिजीज भी हैं जो उनको भी डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल एड्स, यानी जैसे एक एड्स की बीमारी। इसके अलावा और भी वायरल डिजीज होंगी जिनको हमें पढ़ना है, नोट करना है। तो ये हमारा जो है पीएमसी के सिलेबस के टॉपिक्स हैं जिनको एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमें नोट करना है। बाकी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो यही सेम टॉपिक्स हैं। ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस है, क्लासीफाई वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स, डिजीज, होस्ट, ये सब इसी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कैटेगरी में आ जाएगा। आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉज ऑफ वायरल डिजीज, जैसे एड्स है, तो ये नहीं वायरल डिजीज में कवर हो जाएगा। ये हमारा पीएमसी का सिलेबस है, पीएमसी का सिलेबस है जिसके अंदर वायरसेस जो सेक्शन है उसकी जो है ये हेडिंग्स हैं, ये टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो हम आएंगे वन बाय वन इन सब टॉपिक्स को। जो ये सारी चीजें एनटीबी के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। एक चीज आप जहन में रखें, काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बुक्स ज्यादा हैं, इस चीज को हम फॉलो करें। तो बजाहिर तो पीएमसी ने सिलेबस जो दिया है उसके अंदर यानी जो ये बुक्स हैं बताए गए, बट एक चीज आप जहन में रखें कि एनटीबी का जो बुक है इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें काफी सारी चीजें दूसरे बुक्स की भी कवर हो जाती है चंद एक चीजों के अलावा। नंबर टू, जैसे मेरी एक पर्सनल राय है, एक मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है कि टेस्ट बनाते वक्त शायद हमारे एसटीबी को इतना ज्यादा कंसिडर ना करें, क्योंकि बस वो पीएमसी वाले हैं, जो अपनी उनकी चॉइस होगी, बट मेरी एक परसेप्शन है, मे बी मैं आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो फोकस जो है मेन जो है आप जो है एनटीबी पे दें, प्लस में थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो फेडरल की बुक्स वगैरह थोड़े देख लें, बट मेन जो है वो एनटीबी है। तो
ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाते हैं। बहरहाल वो आपकी चॉइस है, क्योंकि आप प्रिपरेटरी फेज के अंदर हैं तो यकीनन सारे बुक्स को देखेंगे। तो पहली पहली हेडिंग है वायरसेस की डिस्कवरी है और स्ट्रक्चर एनटीबी के अंदर जो है पेज नंबर 104 पेज पे ये मौजूद है। तो जिस तरह से जनरल इंट्रोडक्शन है, जैसे आजकल भी जैसे हम एक वायरल डिजीज है उससे फेस में चल रहे हैं, आपको पता है सिंस लास्ट नियरली 1.5 ईयर से ये सिलसिला चल रहा, नियरली 2 ईयर्स कोविड, वो भी एक वायरल। बट ये टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे इससे पहले भी और भी कई वायरल डिजीज डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पीरियड में आई हैं और बहुत ही ज्यादा जो है तबाही इन्होंने की है इंसान जात के लिए, किलिंग मिलियंस की तैदाद में लोगों की हुई है, डेथ हुए। तो ये यू मस्ट हर्ड अबाउट इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, पोलियो, स्वाइन फ्लू, डेंगी फीवर, ये सारे जो है वायरल डिजीज हैं, आपको पता है। तो यकीनन किस इसका कॉज क्या होगा, कॉज वायरस है। एंड मेनी अदर डिजीज कॉज बाय देयर इन्फेक्टियस एजेंट्स कॉल्ड वायरसेस। तो ये नहीं, ये थोड़ा सा ब्रीफली है कि जैसे इंट्रोडक्शन है कि वायरसेस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये सारी जैसे इवन जो है COVID-19 है ये भी जैसे वायरल डिजीज है, वायरस है, तो आप सबको पता है। तो वायरसेस आर पैथोजिन, जैसे वर्ड एक वेरी क्लियर है, पैथो लफ्ज की मीनिंग होती है डिजीज होती है, वायरसेस हमेशा डिजीज कराते हैं, क्योंकि ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट की मीनिंग होती है यानी इनके हाँ अपनी कोई भी ऐसी सेलुलर मशीनरी नहीं है, अपने होस्ट के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है उस होस्ट के सेल्स को डैमेज करेंगे, देन डिजीज होंगी। तो ये ओब्लिगेट जो है पैरासाइट होते हैं, पैथोजिन होते हैं, पैथोजिन की मीनिंग होती है डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कराते हैं। डिजीज किस में कराएंगे, डिजीज यकीनन एनिमल्स में भी डिजीज कराते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज कराते हैं, ह्यूमन में तो वैरायटी ऑफ डिजीज जैसे डिफरेंट डिजीज जैसे नेम्स मौजूद हैं, ये सारी ह्यूमन डिजीज हैं, प्लांट डिजीज हैं, इवन बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। जैसे आपने एक लफ्ज सुना होगा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, ऐसे वायरसेस भी मौजूद हैं जो बैक्टीरिया को भी उनकी भी किलिंग करते हैं। यानी प्लांट वायरसेस की कैटेगरी, एनिमल वायरसेस की कैटेगरी, बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस कौन सा होगा, यकीनन बैक्टीरियोफेज होगा, वर्ड से जाहिर है आपने जैसे पढ़ा भी है। तो यानी ये सारे वायरसेस की कैटेगरी है, तो पैथोजिन है, वायरसेस आर पैथोजिन विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जनरल कैटेगरी में जैसे एनिमल एंड प्लांट्स लिखा हुआ है, इसमें जैसे एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड हैं, जिसमें कई ऐसी डिजीज हैं जो वायरसेस के सबब होती हैं, जिनकी हम आखिर में लिस्ट भी है, हम पढ़ेंगे उनको। वायरसेस आर नॉट सेल्स, जैसे आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो जिसमें भी सेल्युलर स्ट्रक्चर होती है वो लिविंग थिंग होती है। जब वायरसेस में सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हम इनको जैसे लिविंग थिंग भी तस्वर नहीं करेंगे। वायरसेस आर नॉट सेल, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लीकेशन। जैसे कोई भी सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, अमीबा, पैरामेशियम, यूगलीना, भले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बट उसके अंदर अपनी जो है रिप्रोडक्शन की मशीनरी है, सारे ऑर्गेनिल्स उसमें मौजूद हैं, मल्टीप्लाई अपने आप को करते हैं, उनकी फूड कैप्चरिंग जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अपने प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। बट वायरसेस जैसे आउटसाइड द एनवायरनमेंट अगर मौजूद हैं जस्ट एक पार्टिकल की सूरत में, जब भी इनको होस्ट मिलता है या होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल होंगे तो देन अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। किसके अंदर, होस्ट के लाइक जो सेल्स होंगे उनके अंदर हमेशा होस्ट की इनको जरूरत होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड पेंडेमिक है, कोविड पेंडेमिक है, जैसे अगर इससे पहले भी कई पेंडेमिक आई हैं, मिलियंस की तैदाद में लोगों की डेथ हुई है, तो ये पेंडेमिक तभी खत्म होगी जब इन वायरसेस को होस्ट नहीं मिलेगा, होस्ट नहीं मिलेगा तो ये खत्म हो जाएंगे। जब होस्ट कोई नहीं मिलेगा तो ये वायरसेस भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आउटसाइड द जैसे लिविंग थिंग ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो ये इनवेलप्ड वायरसेस जो होते हैं, जिनमें एक इनवेलप होता है वो लिपिड के एक लेयर का होता है, और लिपिड का लेयर एक ऐसा लेयर होता है जैसे वो आसानी से हीट सेंसिटिव होते हैं, रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं, इवन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें भी ये लिपिड इनवेलप जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से ज़्यादा अरसे तक वो मीन्स आउटसाइड द होस्ट जैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो अगर इनको जो है होस्ट मिलता रहेगा तो ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, होस्ट नहीं मिलेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहरहाल सो नॉट सेल्स, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन।
दे के नॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन्स। जाहिर है इनके यहाँ कोई भी सेलुलर मशीनरी नहीं है, ना ही फूड की इनको जरूरत पड़ती है, ना ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अब नहीं बनाते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो अपने प्रोटीन, जाहिर है जब वायरसेस अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे तो होस्ट की मशीनरी को यूज करेंगे, उनके राइबोसोम्स को यूज करेंगे, अपने प्रोटीन बनाएंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट की मशीनरी को यूज करके बनाएंगे, सब कुछ होस्ट से। तो इस वजह से बिकॉज ये पैरासाइट्स हैं और आउटसाइड द होस्ट ये इनएक्टिव होते हैं, जस्ट पार्टिकल होता है, नॉन लिविंग पार्टिकल की सूरत में। होस्ट जब भी मिलता है तो उसके अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस कराते हैं, अदरवाइज पार्टिकल है। एंड यूज मेटाबोलिक मशीनरी ऑफ होस्ट, होस्ट सेल जाहिर है जब दाखिल होंगे उसमें, और ये वायरसेस क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं। जैसे ये हम एसटीबी की थोड़ी सी पॉइंट है, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन की जा सकती है, लिविंग थिंग्स की क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से वायरसेस की जो ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है उसमें ये शामिल है, जैसे TMV टोबैको मोजेक वायरस, उसकी भी क्रिस्टलाइजेशन की गई थी। उसके बाद दूसरे वायरसेस हैं उनकी भी देखा गया कि वाकई क्रिस्टलाइजेशन की जा सकती है या नहीं। पोलियो वायरस की भी क्रिस्टलाइजेशन की गई थी। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है नॉन लिविंग थिंग्स की होती है, तो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इनके क्रिस्टल्स हम बना सकते हैं प्रोसीजर के जरिए। तो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, तो ये नॉन लिविंग फीचर है। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप हमारे यहाँ कॉमनली जो लेबॉरटरीज में मौजूद है, जैसे साइंस लेबॉरटरीज हैं, या ये खास तौर पे जो है आपने देखा होगा कि ये डायग्नोस्टिक लेबॉरटरीज होती हैं जो मुख्तलिफ शहरों में जो क्लिनिक साइड पे होते हैं, वो भी लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन नहीं है वो माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको नहीं देख सकते हैं, जस्ट एक पार्टिकल है, जस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अमेबा को हम वाटर के सैंपल से लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, बट वायरसेस को नहीं देख सकते हैं, वेरी टू स्मॉल। ठीक है, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं, ये NTB में पेज नंबर 104 पे मौजूद है। तो ये शुरू में जैसे वायरल डिजीज के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे आप सबको पता है कि जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं या जिनकी डिजायर है, एम्बिशियस हैं मेडिकल में सिलेक्शन के, तो जरूर पुराने टेस्ट वगैरह देखते रहते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में जो आप रिसेंट जो टेस्ट हुई हैं उनमें आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी डिजीज की होती है। डिजीज में यकीन नहीं, 1, 2, 3 कभी 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे आप में आपसे ये सवाल हो जाए कि यानी इनमें आप बताएं कि जैसे इसमें एक TB डिजीज भी इसमें हम ऐड करें, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन, तो यानी बाकी सारे वायरल डिजीज हैं, टीबी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ऑड वन हो गई, फाइंड द बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज को फाइंड करें, बाकी ये जैसे अगर वायरल डिजीज के नेम हो बैक्टीरियल डिजीज, टीबी। ठीक है, इस तरह से जो है डिजीज के वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये प्योरली क्रैमिंग मेमोराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी प्रोटोजोम डिजीज। जैसे इंटर क्लास में STB बुक के अंदर लास्ट में जो टॉपिक रखा गया है डिजीज का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैटेगरीज बनी हुई है। तो डिजीज के हवाले से जितने भी क्वेश्चन होंगे, और खास तौर पे वायरसेस सेक्शन में, आज मैं आपको बता देता हूँ अभी कि जो HIV का जो लाइफ साइकिल है या उसका जो पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे आपके साथ यहाँ पे। HIV इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल ऑफ HIV, क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, जैसे वायरियोन, एक लफ्ज यकीनन जैसे एक वायरस होता है, दूसरा एक वर्ड सिंपल वायरियोन है, कभी आपने मे भी सुना है या नहीं है। वायरियोन जो आउटसाइड द होस्ट अगर कोई पार्टिकल वायरस का होता है तो उसे इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, उस होस्ट के अंदर नहीं है, तो उसे हम कहेंगे वायरियोन, कहेंगे दैट इज कॉल्ड वायरियोन, उसे हम कहेंगे वायरियोन। जब वो पार्टिकल लिविंग थिंग्स के अंदर होस्ट के अंदर आ जाता है तो फिर जनरली उसे वायरस कहते हैं, अदरवाइज इनएक्टिव फॉर्म में आउटसाइड द होस्ट जस्ट उसे वायरियोन कहेंगे, जस्ट उसे पार्टिकल को हम कहेंगे वायरियोन जो आउटसाइड द होस्ट है, तो उसे हम वायरियोन कहते हैं। वायरियोन जो आउटसाइड होस्ट है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, ये NTB का टॉपिक है, जस्ट आगे मौजूद है। यहाँ पे थोड़ा सा एक हम जनरल व्यू वायरस की स्ट्रक्चर के हवाले से लेते हैं कि दो सेक्शन होते हैं,
कौन से दो सेक्शन, एक होता है कोर और दूसरा होता है कोर्ट। कोर की मीनिंग होती है सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मे बी डीएनए मे बी आरएनए, बोथ नहीं होंगे, आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है। ये डीएनए या आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिंगल स्ट्रैंड हो, जरूरी नहीं है डबल स्ट्रैंडेड हो। तो जेनेटिक मटेरियल जो इनका सेंट्रल पोर्शन पे होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये कोर है। कोर के बाद जो दूसरा पार्ट है कोट, कोट के अंदर जैसे आपको पता है कि दो चीजें आ जाती हैं, जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो है प्रोटीन का कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। इसी वजह से वायरसेस की जो केमिकल नेचर होती है, अगर हम वायरियन या वायरस की केमिकल नेचर को देखेंगे तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर। केमिकली अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर है, न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर है, न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर है, क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो रेफर्स टू न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए होगा प्लस प्रोटीन होंगे, प्रोटीन का कोट है जिस तरह से, या आरएनए प्लस प्रोटीन होगा। तो इस नेचर को हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर। तो ये जो सेंट्रल पार्ट जो यकीनन जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए इनका होगा, और उसके बाहर जो पार्ट है ओवरऑल इसे हम कहते हैं कोट कहते हैं। और कोट में जैसे आप देखें एक कैप्सिड भी हो सकता है और एनवेलप हो सकता है। कैप्सिड प्रोटीन का जैसे लेयर होता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे आपने यकीनन जैसे बैक्टीरियोफेज में पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए के बाहर आपने एक एसटीपी के बारे में बात हो रही है तो उसमें आपने एक प्रोटीन कोट देखा होगा, छोटे छोटे यूनिट्स कैप्सोमर्स और कैप्सोमियर्स हैं, छोटे प्रोटीन उनका जो है यकीनन एक पूरा लेयर बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। ये जो कवर होता है प्रोटीन का कोट होता है इसे कैप्सिड कहते हैं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है। तो वायरसेस की जस्ट इतनी ही नेचर होती है न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर, ठीक है। बट कुछ ऐसे प्रोटीन, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनवेलप भी होता है, एक्स्ट्रा कवर भी होता है, जिसे हम कहते हैं एनवेलप कहते हैं। जिसमें भी ये एनवेलप होगा ऐसे वायरसेस को हम कहेंगे एनवेलप्ड वायरसेस। जिनमें ऐसा एनवेलप नहीं होगा, जस्ट ये दो चीजें आइदर जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन कोट होगा, इतनी ये नेचर जो है तब भी ये वायरस है। बट ऐसे वायरसेस को हम कहेंगे अन एनवेलप्ड वायरस, जैसे बैक्टीरियोफेज एनवेलप्ड है बिकॉज उसके बाहर एक एक्स्ट्रा कोट भी है, एक्स्ट्रा कोट भी है। तो ये जो है जस्ट ऐसे वायरसेस को हम कहेंगे अन एनवेलप्ड वायरसेस भी कहेंगे, नेक्ट वायरस भी कहेंगे। वाई? बिकॉज इनके बाहर कोई भी एक्स्ट्रा कवर नहीं है। कैप्सिड होगा, कैप्सिड होगा बट कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं है, एक्स्ट्रा कवर नहीं है तो हम उन्हें कहेंगे अन एनवेलप्ड वायरसेस और नेक्ड वायरसेस, ठीक है। तो जो कोट पोर्शन होगा यकीनन उसमें कैप्सिड होगा और एनवेलप होगा। जेनेटिक मटेरियल जो है मॉलिक्यूल डीएनए या आरएनए के होंगे, और यकीनन जो है अपनी जो है रेप्लिकेशन करेंगे, अपने न्यू वायरसेस या न्यू पार्ट्स बनाएंगे तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन आइदर डीएनए या आरएनए के अंदर मौजूद होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी न्यू कॉपीज बनाएंगे। प्रोटीन कोट कैप्सिड है, सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और कुछ ऐसे इन सम केसेस यानी मीन्स कुछ ऐसे भी वायरसेस होंगे जिनके अंदर इन सब के बाहर एक और एनवेलप भी होगा जो लिपिड का लेयर होगा, लिपिड का लेयर होगा, तो ये एनवेलप्ड वायरसेस कहलाएंगे। प्लस में, जैसे प्लस में थोड़ा आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वायरसेस होंगे जिनके लिपिड लेयर और उसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन की, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन उनके रिसेप्टर के तौर पर भी होते हैं। जैसे आजकल जैसे कोविड के हवाले से आपने देखा होगा बाल लाइक जैसे ये वायरस है, तो उसके साथ साथ ऐसी डॉट डॉट सी जो नज़र आती है मुख्तलिफ कलर दे के वो रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये जो प्रोटीन होते हैं ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, ये किसी भी होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए, ताकि उसके अंदर उस वायरस की एंट्री हो सके, रिकग्नाइजेशन के लिए। जैसे हमने एचटीबी के अंदर पढ़ा है, एचटीबी के अंदर पढ़ा है कि एचआईवी वायरस की सरफेस पे ग्लाइको प्रोटीन है। अब ये ग्लाइको प्रोटीन एचआईवी, आप बताएंगे एचआईवी टाइप थोड़ा कर दें कौन से वायरसेस हैं कि ये इसका, यकीनन होस्ट सेल, होस्ट तो ओवरऑल जैसे ह्यूमन बीइंग है, बट कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें एचआईवी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे
कोविड के बारे में हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर अपनी जो रेप्लिकेशन करते हैं, तो एचआईवी किसके अंदर अपनी रेप्लिकेशन करता है? डैमेज जो रेप्लिकेट करते हैं तो प्राइमरली आपको पता है हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल या टी लिम्फोसाइट से कहते हैं। तो हेल्पर टी सेल की एक खास बात बताएं जो कल शायद हमने पढ़ी, हेल्पर टी सेल की, हेल्पर टी सेल की एक खास बात बताएं, कल जो हमने पढ़ा है, सिर्फ कल पढ़ा, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। एक खास किस्म के को रिसेप्टर्स हैं CD4, CD4 आप स्टूडेंट्स को याद होगा, CD4 हेल्पर टी सेल के पास होते हैं, को रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये CD4 जो है को रिसेप्टर्स हैं, ये बाइंड करेंगे इस ग्लाइको प्रोटीन ऑफ एचआईवी के, हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लाइको प्रोटीन की सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लाइको प्रोटीन की सिग्निफिकेंस ये होती है कि अगर अनलकी पर्सन में एचआईवी वायरस की एंट्री होती है तो ना ये मीन्स लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे, ना जैसे हमारे किसी और स्किन को, जैसे उसके अंदर मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, मल्टीप्लाई अपनी मल्टीप्लीकेशन सिर्फ जैसे टी लिम्फोसाइट्स के अंदर करते हैं। तो जाहिर है टी लिम्फोसाइट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारे होस्ट सेल हैं इसके अंदर? तो CD4 जो पार्ट होता है को रिसेप्टर्स जैसे होते हैं वो बाइंड करेंगे किसके साथ, ये ग्लाइको प्रोटीन ऑफ एचआईवी, ताकि उसके अंदर जो है ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल उसकी एंट्री हो और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर अपनी मेनी कॉपीज बनाए, अपनी वायरस रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्लाइको प्रोटीन में, तो हमने क्या पढ़ा है इसमें कि एक ये पढ़ा है कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन का कोट है, कैप्सिड है, वायरल एनवेलप भी है, प्लस में ग्लाइको प्रोटीन्स भी होते, कुछ वायरस सब में नहीं, ग्लाइको प्रोटीन्स भी होते हैं जो रिसेप्टर्स ऑफ होस्ट उनके साथ बाइंड होके जो है अपने रिकग्निशन या आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये हमारे जो है होस्ट सेल हैं, इनके अंदर हमें इंटर होना है, इनके अंदर हमें जो है मल्टीप्लाई होना है। तो ये ग्लाइको प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स होते हैं। हम आते हैं एड्स की स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहरहाल तो ये ओवरऑल जैसे कि स्ट्रक्चर है एचआईवी की, है एचआईवी की हमने जनरली रखा है कि लाइक ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए के दो मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस में इनके यहाँ एक एंजाइम भी मौजूद है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और ये प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन के कोट को हम कहेंगे कैप्सिड कहेंगे, प्रोटीन कोट इस कॉल्ड कैप्सिड, और इसके बाहर एक और इनवेलप है, जैसे ये लिपिड का इनवेलप है, लिपिड इनवेलप है बाहर का, और ये जो ऐसी डॉट्स जैसी नजर आ रही हैं, यकीनन ये जो एडिश अटैचमेंट के लिए प्रोटीन होते हैं, अटैचमेंट किसके साथ, अपने होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए प्रोटीन होंगे। तो ये सेंट्रल पार्ट पे, जैसे सेंट्रल पार्ट पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हमने पढ़ा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड के भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम नेक्स्ट आते हैं एनटीबी के हवाले से। ओवरऑल जैसे ये को जैसे जनरली स्ट्रक्चर है वायरस की या वायरियोन की, तो ये जैसे आप देखेंगे ये जेनेटिक मटेरियल इसका न्यूक्लिक एसिड है, और इसके बाहर ये प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन की कोट को हम कहेंगे कैप्सिड कहेंगे। आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं यकीनन, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे जैसे ये तो यकीनन डीएनए है, और इसी तरह से आरएनए भी हो सकता है, उसके बाहर प्रोटीन का कोट होगा जिसे हम कहेंगे कैप्सिड कहेंगे। कैप्सिड किसका बना हुआ है? छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है, हर एक यूनिट को कहेंगे कैप्सोमेयर कहेंगे या कैप्सोमर भी कहेंगे, बिकॉज एनटीबी में कैप्सोमर लफ्ज भी एक टर्म आया है। इसके अलावा इनके बाहर एक एडिशनल वायरल एनवलप भी है, जैसे एनवलप ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, जब भी किसी होस्ट में, होस्ट सेल में ये दाखिल होंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर अनलकीली एचआईवी का जिक्र करें तो एचआईवी हेल्पर टी सेल्स उनको इन्फेक्ट करता है और आखिर में हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, उसको रप्चर करके बाहर आता है, मेनी कॉपीज ऑफ एचआईवी न्यू कॉपीज बनेंगी, तो हेल्पर टी सेल की डेथ हो जाती है। तो ऐसे साइकिल को क्या कहेंगे? जैसे हमारे एनटीबी वगैरह या एचआईवी के सेक्शन में हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ, टाइप करें ऐसे साइकिल को क्या करें कहेंगे हम?
निशंक साहब स्वयं आए ऐसे साइकिल को वायरसेस जी लाइट के साइकिल के एग्जैक्टली आप सही हैं कि क्योंकि होस्ट सेल की डेथ हुई रिलीज ऑफ न्यू वायरसेस हुए तो ऐसे साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं। ठीक है तो आप जैसे देखें जब टी सेल्स टी से हेल्पर टी सेल कितनी इंपॉर्टेंट है अगर उनकी इसी तरह से डेथ होती जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा। ऐसा ऐसा आपको एचआईवी की तरफ लेके जा रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो बहरहाल तो ये जो ये लिपिड का जो इनवेलप है ना तो जब भी किसी होस्ट से जब ये बाहर निकलेंगे तो उस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन जो होगी होस्ट सेल की यकीनन मेम्ब्रेन होगी ना फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है तो ये लिपिड कंपोनेंट कहते हैं। लिपिड कंपोनेंट ये वायरसेस में कैसे आया है तो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से आया है। होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से ये इनके अंदर वायरसेस का एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें। अदरवाइज जैसे आपको पता है कि ये जो जस्ट न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर होते जेनेटिक मटेरियल होगा और प्लस में जैसे इनके बाहर एक प्रोटीन का कोट है जिसे हम कहेंगे कैप्सिड कहेंगे। कैप्सिड किसका बना हुआ है छोटे यूनिट्स जिन्हें हम कहेंगे कैप्सोमियर। इसी तरह से ये स्पाइक्स मौजूद है स्पाइक लफ्स की मीनिंग होती है जैसे कोई भी एक वायरस है जैसे यहाँ पे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन के जो रिसेप्टर्स है हमने नोट किया था कि अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये स्पाइक्स हैं प्रोजेक्शंस हैं ये भी किन किन में होते हैं जो इन केस ऑफ एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन के ये जो ऐसे स्पाइक्स होते हैं या जो हेल्पर टी सेल को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करने में मदद देते हैं। ठीक है तो ये जनरल एक स्ट्रक्चर हो गई वायरस की। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट एनटीबी में है हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस है वर्ड की मीनिंग क्या है। वेरी सिंपल से कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे हम बार बार रिपीटेडली आप स्टूडेंट को बताते हैं कि बेस इस टर्म की मीनिंग याद करें लिटरली वर्ड मीनिंग बिकॉज जैसे मैं तो कभी नहीं भूलता हूँ एक टेस्ट थी जिसमें वर्ड था इन प्रोकैरियोटिक टर्म टर्म प्रोकैरियोट के अंदर प्रो लफ्ज की मीनिंग क्या है। कभी कभार कैरियन लफ्ज की मीनिंग क्या ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं तो यकीनन आपको बताएंगे कि ये लैटिन वर्ड है वायरस लैटिन वर्ड है वेनम और पॉइजन उसकी वर्ड मीनिंग है। और इन द पास्ट द टर्म वायरस वाज एसोसिएटेड विद इन्फेक्टियस डिजीज व्हिच हैव अननोन कॉज जैसे बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन तो हो गई थी कि ये बैक्टीरियल डिजीज है बट कुछ ऐसी डिजीज थी साइंटिस्ट ने उस वक्त कहा कि इनका रीजन पता नहीं क्या है तो इस वजह से इनको जनरली जो है टॉक्सिन पॉइजन या वेनम करार दिया कि भाई ये वेनम है उसकी वजह से ये जो है ये डिजीज हो रही है। यानी वायरसेस को शुरू में वेनम तस्वर किया गया था पॉइजन तस्वर किया गया था कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं पॉइजन तस्वर किया गया था। फर्स्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस व्हेन इन 1884 ये चार्ल्स चैम्बरलैंड थे हु वर्क्ड विथ लुईस पास्चर फाउंड दैट पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबीज कुड पास थ्रू पोर्सलिन फिल्टर। पोर्सलिन फिल्टर एक पोर्सलिन एक मटेरियल है जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनकी पोर की साइज आप देखें बहुत ही छोटी है। इस यानी कि ऐसे पार्टिकल हैं इन्हीं पोर्स को क्रॉस कर सकते हैं बैक्टीरिया उन पोर्स में नहीं पास हो सकते थे बट एक ऐसे मटेरियल थे जो इसमें पोर्सलिन के फिल्टर को क्रॉस करके आ गए थे। ऐसे वायरसेस के लिए उन्होंने टर्म दिया फिल्टर एबल वायरसेस। सच वायरसेस वर टर्म्ड एज अ फिल्टर एबल वायरसेस। कौन सा फिल्टर पोर्सलिन का फिल्टर था लेबोरेटरी के अंदर वो एक्सपेरिमेंटेशन इनकी थी। हम आते हैं इलस्ट्रेशन पे किस तरह से ये फिल्टर एबल वायरसेस की आइडेंटिफिकेशन हुई। हाउएवर सच फिल्टर्स कुड बी यूज टू कम्प्लीटली रिमूव ऑल द बैक्टीरिया और अदर सेल्स नोन एट दैट टाइम फ्रॉम लिक्विड सस्पेंशन। एक लिक्विड सस्पेंशन थी उसके अंदर देखा गया है कौन से मीन्स लाइक मटीरियल है तो ये बहुत ही थिन पोर्स है जिससे अगर आप देखें ना तो फिल्टर की हम बात करें चाय का जरूर जिक्र करेंगे तो अगर चाय गर्म हुई तैयार की और देन हम फिल्टर रखते हैं तो जो थोड़े फिल्टर से बड़े पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर के ऊपर आ जैसे पत्ती जिसे कहते हैं वो ऊपर आ जाती है और नीचे जो है लिक्विड चाय जो आ जाती है। इसी तरह से बैक्टीरिया उसमें वो पास नहीं हो रहे थे कुछ और ऐसे लाइक पार्टिकल थे जो पास हो गए इन्हीं पोर्सलिन फिल्टर के जरिए। बाद में उनको कहा गया कि ये फिल्टर एबल वायरसेस हैं। ठीक है तो रेबीज की ट्रीटमेंट ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं डिस्कवरी जो आपको पता है कि डिस्कवरी जैसे
एनटीबी के बुक में मौजूद है और पीएमसी के सिलेबस के टॉपिक में, जैसे इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ये डिस्कवरी ऑफ वायरस कैसे हुई है, तो ये सारी हेडिंग्स हैं। तो आप ये ना कहें कि हम इनको याद ना करें, याद करेंगे, बिकॉज ये हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ वायरस, इसकी हेडिंग है पीएमसी सिलेबस की। तो पोर्सलिन फिल्टर में ये पास हुए। अब पोर्सलिन फिल्टर का जैसे पर्पस क्या था, हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखें, एक ऐसा सस्पेंशन या लिक्विड है जिसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं, इसके अंदर वायरसेस भी हैं। तो ये एक ऐसा सस्पेंशन और लिक्विड है जिसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं और वायरसेस भी हैं, तो ये दोनों मिक्स में मौजूद हैं। ये जो इस जगह पे ये एक फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर, ये फिल्टर था पोर्सलिन फिल्टर। इस पोर्सलिन फिल्टर में, और देन नीचे जो है एक फ्लास्क रखी गई, स्टराइल फ्लास्क, और यहाँ पे एक पंप भी था। तो जैसे ही इस पोर्सलिन फिल्टर के अंदर यही मटेरियल जब इस पोर्सलिन फिल्टर में रखा गया, तो इस फिल्टर के बाहर बैक्टीरिया तो पड़े थे, क्योंकि बैक्टीरिया ये इतने छोटे पोर्स थे कि इसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे। बट कोई और मटेरियल था जो इसमें पास हो गया, वो और मटेरियल कौन सा था? वायरस थे। और मटेरियल कौन सा था? वायरसेस थे, जो इस पोर्सलिन फिल्टर, जो बहुत ही छोटे छोटे 100 to 1000 माइक्रोमीटर के पोर्स थे, उनको भी क्रॉस करके इसके अंदर आ गए। तो सच वायरसेस आर कॉल्ड एज फिल्टर एबल वायरसेस। ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट हैं, लेबोरेटरी प्रोसीजर हैं, जिनमें फिल्ट्रेशन का अमल हुआ था, यानी बैक्टीरिया यहाँ से पास नहीं हो सके, वायरसेस पास हो सके। देन इसी लिक्विड को, जैसे आपको बताए वायरसेस की डिस्कवरी में टोबेको मोजेक वायरस, फर्स्ट वायरस, प्लांट वायरस, TMV, टोबेको मोजेक वायरस था। टोबेको मोजेक वायरस, जैसे आपको पता है, फर्स्ट वायरस था इवानोस्की। तो एक जैसे अनइन्फेक्टेड लीव्स थे, उनके ऊपर जब ये सस्पेंशन अप्लाई किया गया, तो जाहिर है इसमें वायरसेस थे और उस प्लांट में डिजीज आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिल्टर था, ये फिल्टर कंप्लीटली, जैसे हर चीज को यहाँ से पास होने से, यानी ये फिल्टर रोक नहीं सका। छोटे पार्टिकल थे जिनका नेम वायरसेस थे, वो इस पोर्सलिन फिल्टर से भी क्रॉस कर गए। तो ऐसे ऐसे जैसे वायरसेस के लिए टर्म आया फिल्टर एबल वायरसेस। जैसे ये बैक्टीरिया के हवाले से लेबोरेटरी टेक्निक है, आपका जैसे फिलहाल काम कोई नहीं है, जैसे कोई भी एक फिल्टर रखा जाता है और उसके अंदर जैसे स्टरलाइज्ड कोई एक इक्विपमेंट होती है, वैक्यूम पंप भी होता है, तो ये फिल्टर के अंदर जैसे बैक्टीरिया तो पास हो सकते हैं। जितनी फिल्टर की साइज छोटी करेंगे, तो जाहिर है, तो उसमें जो बैक्टीरिया जिनकी साइज बड़ी होती है, जैसे इसको कंपेयर करें, यहाँ पोर की साइज 5 माइक्रोमीटर है और यहाँ की पोर की साइज जो है 0.2 माइक्रोमीटर है। 5 होगी तो यानी ये जो सारे बैक्टीरिया यहाँ से पास हो रहे हैं, बट 0.2 माइक्रोमीटर जो है इसकी पोर की साइज होगी, तो चंद एक जो मीन्स होंगे, चंद एक जैसे बैक्टीरिया है, जैसे ये ग्रीन कलर की ये पास हुए इसमें, तो ग्रीन और ये जो पर्पल कलर के पास हो गए। तो यानी एक कंपेयर दी गई है कि पोर्सलिन फिल्टर जो यहाँ पे जो फिल्टर मौजूद है, पोर लगे हुए हैं, तो बड़ी चीजें इसमें जैसे पास नहीं हो सकती हैं, बट छोटी छोटी चीजें वो पास हो सकती हैं। तो कंपेयर की गई, ये बात की गई कि बैक्टीरिया की साइज जो है वो बड़ी है, वायरसेस इससे छोटे हैं। सिंपल वर्ड्स में ये था, बैक्टीरिया की साइज जो है थोड़ी बड़ी है, वायरसेस की साइज छोटी है। तो फर्दर हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री है, टोबेको मोजेक डिजीज वाज थॉट टू बी द बैक्टीरिया। शुरू में तस्वर किया गया कि ये बैक्टीरिया की डिजीज है, बट इवानो इसकी 1892 एक्सट्रैक्टेड द जूस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टोबेको हैविंग टीएमवी डिजीज। ऐसे ऐसे प्लांट्स, ऐसे टोबेको की प्लांट्स, उनकी लीव्स जिनमें डिजीज थी, उनका इन्होंने क्या किया, जूस बनाया। इन ऑर्डर टू रिमूव द बैक्टीरिया, जूस वाज पास थ्रू द पोर्सलिन फिल्टर। जो पोर्सलिन फिल्टर जिसका अभी हमने जिक्र किया था, तो शुरू में तस्वर यही किया गया ना कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसी जू प्लांट के मटेरियल को, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो किसी चीज तक पहुंचने तक, आइडेंटिफाई करने तक, काज को मालूम करने के लिए ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो उन्होंने जब लीव्स का जूस निकाला और जूस के बाद उसको जब पोर्सलिन फिल्टर में पास किया, पोर्सलिन फिल्टर में बैक्टीरिया तो पास ही नहीं हो सके, क्योंकि वो पोर्सलिन फिल्टर बहुत ही छोटा था, बट वायरसेस पास हो गए। सो ही देन रब्ड द फिल्टर फिल्टर्ड जूस ऑन द लूज लीव्स ऑफ द हेल्दी प्लांट्स एंड एक्सपेक्टिंग नो डिजीज टू डेवलप। अगर ये बैक्टीरियल डिजीज होती,
अगर ये बैक्टीरियल डिजीज होती तो उस जूस को उन्होंने फिल्टर कर लिया, पोर्सलिन फिल्टर था, तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं थी, यकीनन वायरल डिजीज थी, तो वो वायरस उस जूस से फिल्टर हो गए। जब हेल्दी लीव्स पे अप्लाई किया, हेल्दी लीव्स पे अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि शोड द सिम्टम ऑफ द डिजीज, उसी टोबेको मोजेक डिजीज की सिम्टम आ गई। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया टोबेको मोजेक डिजीज का कॉज नहीं है, कोई और कॉज है, वो थे टीएमवी वायरस, टोबेको मोजेक वायरस। इसी तरह से देन सिमिलर डिजीज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हैड बीन डिस्कवर्ड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। शो करो। तो द नेम फिल्टरेबल वायरसेस आर गिवन टू दिस सब्सटेंस, ऐसे वायरसेस जो इस पोर्सलिन फिल्टर से पास हुए उनका नेम रखा गया फिल्टरेबल वायरस। उसके बाद स्टेनले 1935, ये एसटीबी में भी पॉइंट मौजूद है, क्रिस्टलाइजेशन की किसकी, टीएमवी की, और इसी तरह से स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। तो ये सारी हिस्ट्री है, जैसे ये सारी हिस्ट्री है, आप इवानोव्स्की 1892 ये प्रोसीजर किया, उसके बाद फिल्टरेबल वायरसेस की एक लिस्ट है, और उसके बाद जैसे स्टैनले इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन की, टीएमवी की, और बाकी एक डेफिनेशन है स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड वायरोलॉजी। ठीक है, ये वेरी सिंपल सी चीजें हैं। और ये जैसे टीएमवी डिजीज, जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी जैसे टीएमवी की एक लाइक टोबेको मोजेक डिजीज, जैसे एक हेल्दी लीफ है टोबेको, और इस तरह से ये जो आपको डॉट डॉट सी नजर आ रही है, यकीनन जो ये टोबेको मोजेक वायरस है उसकी वजह से ये जो डिजीज हुई है। और टोबेको मोजेक वायरस है, एसटीबी में भी ऐसी डायग्राम है, ये तो कैप्सिड है बाहर का कोट, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये आरएनए है, जस्ट न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये बताइए ये पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं जैसे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन वेंडल स्टेनली ने की थी, तो यही टीएमवी का वायरस जो था, इसकी जो है क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये आ गए, तो उसे हम कहते हैं, या इवन एक सिंगल जैसे सिंगल टीएमवी, जो टीएमवी टोबेको मोजेक वायरस उसका जब क्रिस्टल बना था वो इस तरह का था, ये टीएमवी का क्रिस्टल है, ये जैसे पोलियो वायरस का क्रिस्टल है, ये सारे क्रिस्टल पोलियो वायरस के, तो यानी क्रिस्टलाइजेशन की गई वायरसेस की जो नॉन लिविंग थिंग्स की जा सकती है, तो ये पॉइंट जो है नॉन लिविंग कैटेगरी में आती है वायरसेस की क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम वायरसेस को एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे रखते हैं, तो आखिरकार उनकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वायरसेस अकर इन डिफरेंट वेराइटीज आर स्ट्रेंस, आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर देयर, डिफरेंट डिजीज भी कराते हैं, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, कई डिजीज हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेंस आर वेराइटीज हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग होती है ना, तो जैसे नॉन लिविंग थिंग होती है तो जस्ट नॉन लिविंग थिंग सारी एक जैसी होती पार्टिकल है, बट जब इसमें डिफरेंट स्ट्रेंस हैं तो ये नहीं, ये कंसिडर करते हैं कि मे बी ये कोई लिविंग थिंग हो। दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए दैट अंडरगो म्यूटेशन। डीएनए या आरएनए जो है लिविंग थिंग का जो है आपको पता है कि मॉलिक्यूल है, आइदर डीएनए और आरएनए, और प्लस में म्यूटेशन की प्रॉपर्टी भी लिविंग थिंग की है, नॉन लिविंग थिंग की नहीं है, तो म्यूटेशन भी हो सकती है। म्यूटेशन क्या है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन या चेंज आना, जैसे आपको पता है कोविड-19 की कितनी वैरायटीज अब इसकी हो गई, कितनी म्यूटेशन हो गई, जैसे डेल्टा वेरिएंट, ये वेरिएंट, तो यानी उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रही है मुसलसल, चेंज आना, तो यानी ये क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह नेम दे रहे हैं जो वायरसेस की, ये नहीं उनमें म्यूटेशन हुई है, जो पहले जो वायरसेस जैसे फर्स्ट वायरस कोविड था उसमें जब आइडेंटिफाई हुआ था, और आज इतने डिफरेंट कंट्रीज में तो उनमें डिफरेंट वेरिएंट आए हैं, ये वेरिएंट वाई बिकॉज ऑफ उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आई है, म्यूटेशन हुई है। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग मेटाबोलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल दे इन्फेक्ट, यानी जिस भी सेल को अपने होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं उसी के अंदर अपनी मल्टीप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन करते हैं, आपको पता है आउटसाइड द होस्ट ये वेरी इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं पार्टिकल है, दे इंटर द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीज दैट इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसी जाहिर रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी कॉपीज न्यू बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करना, न्यू कॉपीज बनाना, ये लिविंग थिंग की फीचर है, बट कब,
जब होस्ट सेल के अंदर दाखिल होंगे, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करेंगे तो ही अपनी न्यू कॉपीज बनाएंगे, अदरवाइज ये इनएक्टिव हैं, जस्ट पार्टिकल हैं, चाहे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पड़े रहें, जब तक होस्ट नहीं मिलेगा तो उसमें रिप्रोडक्शन या न्यू कॉपीज उसकी नहीं बनेगी। दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स के जो मटेरियल हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसी तरह से वायरसेस भी यूवी रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर, ये सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे एचटीवी में भी मौजूद हैं, बट इन दोनों में फर्क क्या है, ये जैसे ये एक नई पॉइंट आई है, डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेस और डिफरेंट वेराइटीज आर स्ट्रेंथ्स हैं, ये जो है बाकी तो आई थिंक जैसे एचटीवी में भी पढ़ा है हमने मौजूद है। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में लेक सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम कहते हैं ना, तो इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसे लिविंग थिंग नहीं तस्वर करेंगे, ये नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, को एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, दे डोंट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन, जस्ट पार्टिकल होते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइजेशन ये नॉन लिविंग थिंग्स की हो सकती है, लिविंग थिंग की क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। एंड स्टोर्ड इन बॉटल्स, दे डू नॉट रेस्पायर, जैसे एरोबिक हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, क्योंकि इनको एनर्जी की प्रोडक्शन इनके यहाँ नहीं होती है। इसी तरह से वायरस बी हैव ए नॉन लिविंग इनर्ट पार्टिकल्स आउटसाइड द होस्ट, जब होस्ट के बाहर हैं तो कुछ भी नहीं है, इनर्ट है, जस्ट एक पार्टिकल है, होस्ट इनको मिलता है तो देन जो है होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके अपनी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है, आउटसाइड द होस्ट ये नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ये एनटीबी के अंदर जो है पॉइंट्स मौजूद हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, जिनको आप याद करेंगे, हमने पहले से पहले ही पढ़ा है, एसटीबी के अंदर वही सेम पॉइंट्स हैं, इतनी बिग थिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हम आते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, कंप्लीट वायरस, एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड द वायरियोन, वायरियोन हम उस मकसद उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो पार्टिकल है आउटसाइड द होस्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये वायरियोन है। तो जस्ट उसके प्राइमरीली कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक होता है कोर, कोर दैट इज द सेंट्रल पार्ट, उस सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए का। दूसरा क्या होता है कोट होता है, कोट क्या है, कोट जैसे एक प्रोटीन का कोट है, दैट इज कॉल्ड द कैप्सिड, कैप्सिड किसका बना हुआ है, सिमिलर यूनिट्स है कैप्सोमियर का बना हुआ है। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके बाहर एक और एडिशनल कवर होता है, उस एडिशनल कवर को हम कहते हैं एनवेलप कहते हैं, जो लिपिड का बना होता है और प्लस में ग्लाइको प्रोटीन भी होते हैं, जैसे एचआईवी वायरस है उसके अंदर ग्लाइको प्रोटीन के जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स जैसे ये मौजूद है रिसेप्टर के तौर पे, यानी किसी अपने पर्टिकुलर होस्ट जो सेल होगा उसके साथ रिकॉग्नाइज उसको करना, उसके अंदर जैसे एंटर होने के लिए उस वक्त यूज होते हैं। वही सेम चीजें, कैन बी टू पार्ट्स, कौन से, कोर एंड कोट, कोर इज द इनर पार्ट ऑफ द वायरियन विच कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम एंड वेरियस एंजाइम्स, वेरियस प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे एक एचआईवी के अंदर कौन सा एंजाइम हो सकता है, एचआईवी के अंदर टाइप करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम होता है, हमने एक पढ़ा है, मजीद भी है जो फर्दर स्टडीज में आगे हम पढ़ेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव। हेपाटाइटिस बी के अंदर भी एक एंजाइम होता है, याद है आपको किसी स्टूडेंट में हेपाटाइटिस बी वायरस के अंदर, साहब हेपाटाइटिस बी है वायरस है उसके अंदर, जी, लाइस हेपाटाइटिस बी के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेपाटाइटिस बी के अंदर, और जैसे एचआईवी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है बराबर। तो यानी इस सेंट्रल पार्ट के अंदर एक वायरल जीनोम जो आइदर डीएनए आर आरएनए होता है प्लस एंजाइम होता है, जीनोम और जेनेटिक मटेरियल विच इज आइदर डीएनए आरएनए एंड विच मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड आर डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कोई भी हो सकता है बट होगा एक ही किस्म का, आइदर डीएनए आर आरएनए, आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। कोर इंक्लूड्स वन आर मोर एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट द वायरस इट्स मोड ऑफ एक्शन विद इन द होस्ट बॉडी, फॉर एग्जाम्पल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैव द एंजाइम्स टू कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, आरएनए अगर सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, उसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंड करने के लिए यकीनन इसमें एंजाइम होंगे। इसी तरह से जो है
आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जो डीएनए में कन्वर्ट होगा उसके लिए भी एंजाइम है। आपको पता है एचआईवी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो ये नहीं, ये एंजाइम का सेट पार्ट या सेक्शन जो किसके साथ होगा, ये जेनेटिक मटेरियल के साथ होगा। रेट्रोवायरस एंड हेपाटाइटिस बी वायरस कंटेन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। तो ये भी एंजाइम्स मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे। खास तौर पे एचआईवी के अंदर थ्री एंजाइम्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, थ्री एंजाइम। एक तो हमने पढ़ा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, मजीद दो और भी पढ़ेंगे, ठीक है? मजीद और भी दो है। जैसे अभी जो हमने एचआईवी के बारे में या वायरसेस के बारे में पढ़ा है, तो एचआईवी और वायरसेस, जैसे ये इनका एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा आरएनए का मॉलिक्यूल है। प्लस में आप जैसे देखेंगे ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग जैसे आपको नजर आ रही है, ये कैप्सिड प्रोटीन है जो कैप्सोमियर के बने हुए हैं। अब आप जैसे एंजाइम देखें, ये पार्ट है, ये पार्ट एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इसी तरह से एक और एंजाइम में इंटीग्रेज एंजाइम होता है। ये इंटीग्रेज एंजाइम जैसे देखें इनके जेनेटिक मटेरियल के साथ है। इसी तरह से एक और एंजाइम है जो इस इलस्ट्रेशन में नहीं है, इंटीग्रेज एंजाइम। तो उसके बाहर जो है, ये जो मेम्ब्रेन है इसका, ये लिपिड मेम्ब्रेन है, इनवेलप है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ग्रीन प्लस ये पर्पल कलर का, ये जैसे ग्लाइको प्रोटीन के जैसे रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन के रिसेप्टर। तो ये नहीं, सेंट्रल आर कोर है, कोर है, उसके अंदर क्या है, कोर के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्लस एंजाइम, और जो कैप्सिड कवर है, कोट है, उसमें एक ये कैप्सिड है प्लस में लिपिड का ये जो है एनवेलप हुआ, प्लस में कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर ग्लाइको प्रोटीन के ऐसे रिसेप्टर्स के तौर पे जो काम करने वाली चीजें मौजूद है। तो उसके बाद कोट पोर्शन पे आते हैं, कोर और देन कोट। कोर के अंदर हमने क्या पढ़ा, कोर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए प्लस एंजाइम होते हैं। कोट जैसे आपको पता है, कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द वायरल पार्टिकल, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड एंड एनवेलप दो चीजें हैं। कुछ ऐसे यानी कैप्सिड तो तकरीबन हर वायरस के अंदर मौजूद है, इनवेलप जो है कुछ वायरसेस होंगे जिनके अंदर एक्स्ट्रा कवरिंग होगी, जिसे हम कहते हैं इनवेलप कहते हैं। जैसे इनवेलप्ड वायरस, नॉन इनवेलप्ड वायरसेस, तो ये इनवेलप जो है कुछ वायरसेस होंगे जिनमें ऐसा इनवेलप होगा। कैप्सिड इज द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, एंड कैप्सिड इज आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स कैप्सोमर आर कैप्सोमियर। जिसे एनटीबी में जैसे कैप्सोमर लिखा हुआ है, और कैप्सोमियर भी जैसे इसे कहते हैं, स्पेलिंग है जैसे टर्म है, नया है, तो आप इसको नोट करेंगे। नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हर वायरस, जैसे आपको पता है न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर है, जेनेटिक मटेरियल में चले ठीक है, चेंज है, बट प्रोटीन कोट है, उससे भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कौन सा वायरस है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैप्सोमियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सवाल है। जैसे हर्पेस वायरस है, उसके अंदर 162 कैप्सोमियर है, और एडिनो वायरस है उसमें 252 जो है कैप्सोमियर होते हैं। तो हर वायरस की एक आइडेंटिफिकेशन हम कहेंगे इस कैप्सिड कोड के अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमियर पे है, कितने नंबर ऑफ कैप्सोमियर, यानी जैसे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, हर्पेस वायरस और देन एडिनो वायरस है, उसके अंदर जैसे तादाद है, टोकिन टाइप, क्रेमिंग, मेमोराइजेशन के क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। और उसके बाद जो है इसी कोट की कैप्सिड की सिमिट्री भी है। जैसे सिमिट्री की मीनिंग होती है ओवरऑल शेप और स्ट्रक्चर, बजायर जो स्ट्रक्चर होती है वो भी एक जैसी नहीं होती है, उनमें भी डिफरेंस होता है। जैसे आपको पता है टीएमवी जो ओवरऑल हमें राड शेप नजर आते हैं, ओवरऑल राड शेप नजर आते हैं टीएमवी। और जैसे आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज है, उसका हेड है जो एनवेलप जो है वो हमें कुछ है, उसकी मेनी एंगल्स उसमें नजर आती है। तो इसमें सिमिट्री वेन, अच्छा सिमिट्री के हवाले से, वेन कैप्सोमियर आर अरेंज इन 20 ट्राइंगल्स, आइकोसाहेड्रल, ग्रीक वर्ड है आइकोसा, आइकोसा लफ्ज की मीनिंग है 20, 20 ट्राइंगल वाली शेप होगी, पोलीहेड्रोन है, ज्योमेट्री के अंदर एक टर्म आता है पोलीहेड्रोन। पोलीहेड्रोन यानी उसमें पोली मीन्स मैनी, 3D फॉर्म में ट्राइंगल्स की सूरत होती है। तो ऐसे 20 साइडेड और 20 ट्राइंगल वाली शेप भी होती है, किसकी, इलस्ट्रेशन पे भी हम आते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये 20 ट्राइंगल वाले कैप्सोमियर अरेंज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल पोलीहेड्रोनर, जिसकी ओवरऑल जो ऐसी स्फेरिकल इन शेप होती है। व्हेन द कैप्सोमियर आर अरेंज इन हॉलो हॉलो कॉइल दे अपीयर्स रॉड शेप, जैसे टीएमवी है, टीएमवी है, उसके जो कैप्सिड जो अभी हमने जैसे पढ़ा था,
उसका कैप्सिड है ओवरऑल जैसे रॉड जैसा नजर आता है, कैप्सिड, कैप्सिड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों जो है कैप्सिड की पॉइंट्स हैं, कैप्सिड, कैप्सिड जो है डिफरेंट जो है शेप्स में, ट्राइंगल्स की सूरत में 20-साइडेड हो सकते हैं, आइकोसाहेड्रल है, या एक ऐसे ओवरऑल जो है राड शेप भी नजर आते हैं, ठीक है। हॉलो कॉइल दैट अपियर्स राड शेप, जैसे टीएमवी है, टीएमवी अपियर्स रॉड शेप, जैसे हमने वेंडेल स्टेनली की जैसे क्रिस्टलाइजेशन में देखा था, तो टीएमवी की रॉड्स नजर आए थे, रॉड लाइक अपियरेंस। अ फ्यू वायरसेस हैव एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप, जैसे हमने पढ़ा था एचआईवी के अंदर, जैसे लिपिड का लेयर, जैसे सब के अंदर नहीं, वायरसेस के अंदर नहीं, सर्टेन वायरसेस होते हैं जिनके अंदर एडिशनल कवर है लिपिड का, वो कहाँ से इन्होंने लिया होगा? यकीनन जिस होस्ट सेल के अंदर अपनी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं उस सेल से, तो लिपिड का पोर्शन भी इनके साथ जो शामिल हो जाता है, तो ये लिपिड का कोट एडिशनल है, एडिशनल पॉइंट है। एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप अराउंड द कैप्सिड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। ये लिपिड कहाँ से इसने लिया होगा? जिस होस्ट सेल के अंदर इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है, उसी होस्ट की लिपिड का पोर्शन, उसी से ये पार्ट आया एनवेलप। एंड ऑल्सो कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स, वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स, जैसे ग्लाइको प्रोटीन्स, जैसे हमने पढ़ा था एचआईवी के अंदर ग्लाइको प्रोटीन जो मौजूद हैं, एक एनवेलप भी मौजूद है, ग्लाइको प्रोटीन भी मौजूद है। वायरल एनवेलप इज ऑफन कवर्ड विद ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स दैट हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज देयर होस्ट सेल। जैसे कोविड है, कोविड के अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि ऐसे पॉइंट पॉइंट सी मौजूद है, ये ग्लाइको प्रोटीन है, जस्ट जैसे आपको पता है लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन कराते हैं, तो उनके होस्ट वो लंग्स है, बाकी पार्ट्स हैं उसमें अपनी रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं। जैसे एच आई वी ओनली एंड ओनली मल्टीप्लाइज इन हेल्पर टी सेल, तो ये इसमें इसको रिकोगनाइज करने में इन ग्लाइको प्रोटीन का रोल होता है या कवर होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे हमने हेल्पर टी सेल का शायद थोड़ा जिक्र किया था, जैसे ये एच आई वी है फॉर एग्जाम्पल, ये हेल्पर टी सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, उसके अंदर जैसे एक को रिसेप्टर होते हैं जिसे कहते हैं CD4 कहते हैं, को रिसेप्टर है उसकी मेम्ब्रेन के साथ, को रिसेप्टर है जिसे CD4 कहते हैं, ये एच आई वी वायरस है, ये एच आई वी वायरस है। एच आई वी वायरस का ये पार्ट जो होते हैं ये ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, ये पार्ट है ग्लाइको प्रोटीन है, ये ग्लाइको प्रोटीन पार्ट है। तो आप जैसे देखें CD4, ये CD4 ग्लाइको प्रोटीन रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होंगे, जब बाइंड होंगे तो देन जो इस वायरस की यानी जेनेटिक मटेरियल की देन जो इसके अंदर एंट्री होगी, जब तक ये बाइंडिंग इनके साथ नहीं होगी तो मीन्स रिकग्निशन, यानी हेल्पर टी सेल को ही आइडेंटिफाई करना था, उसके अंदर ही दाखिल होना, बाकी नहीं। तो ये को रिसेप्टर हैं जिनका नेम है CD4, CD4 जो है हेल्पर टी सेल के को रिसेप्टर हैं, और ये जो एच आई वी के जो ग्लाइको प्रोटीन का सेक्शन है, ग्लाइको प्रोटीन का सेक्शन, इसके साथ ये इसको रिकोगनाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देन जो इसके अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर दाखिल करेंगे, ठीक है। तो ये इन्हें हम कहेंगे CD4 जो हेल्पर टी सेल का पार्ट है। जो हम बात कर रहे थे आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ये ऐसी ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो होते हैं ना कैप्सिड की, ज्योमेट्रिकल डिजाइन की सूरत में भी हो सकता है, जो 20-साइडेड है, 20 ऐसे फेसेस होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल कहते हैं, आइकोसाहेड्रल 20-साइडेड। और टीएमवी के बारे में हमने जैसे पहले ही पढ़ा है कि ओवरऑल उसकी जो लुक है, रिजेम्बलेंस है, वो बिल्कुल रॉड जैसी है, जैसे ये कैप्सिड है, हालांकि है तो इसके अंदर जैसे कॉइल्ड इन नेचर है, बट ओवरऑल जो लुक नजर आएगी वो बिल्कुल रॉड जैसी नजर आएगी, क्योंकि जैसे आपने देखा कि ये इस वेंडेल स्टेनली ने जब क्रिस्टलाइजेशन की तो इनकी जो शेप थी वो बिल्कुल रॉड जैसी नजर आई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, एक छोटी सी हेडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस किस बुनियाद पे की जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट है तो हम कहेंगे प्लांट वायरस, होस्ट ऑर्गेनिज्म अगर एनिमल है तो हम उसे कहेंगे ये एनिमल वायरस है, होस्ट ऑर्गेनिज्म अगर बैक्टीरिया है तो हम उसे कहेंगे बैक्टीरियोफेज, नंबर 1, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, नंबर 1, और नंबर 2 इसमें ऑन द ऑल्सो ऑन द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक सच एज वायरसेज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की मीनिंग क्या है, बज़ाहिर जो स्ट्रक्चर या शेप नजर आती है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जैसे टीएमवी रॉड शेप जैसे नजर आते हैं टीएमवी, और जैसे
फ्लू वायरसेस हैं वो बॉल लाइक नजर आते हैं, कोविड जो है बॉल लाइक नजर आते हैं, ये उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल जो अपियरेंस होती है उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। टेडपोल जो है, जैसे हमें एक टेडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज जो है टेडपोल लाइक नजर आता है, तो इससे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बुनियाद भी जीनोम टाइप। जीनोम टाइप क्या है? आइधर जैसे आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा तो हम ऐसे वायरस को कहेंगे ये डीएनए वायरस है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो हम ऐसे वायरस को कहेंगे ये आरएनए वायरस है। एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट, मोड ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट, किस तरह से इनकी इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट करते हैं, जैसे लाइटिक है, लाइसोजेनिक है, क्या है इस तरह से। बट ये जो इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस, तो उसकी बेसिस पे इंटरनेशनली एग्रीड जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इन दो चीजों पे है। मोड ऑफ रेप्लीकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन, जैसे रेट्रो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, मोड ऑफ रेप्लीकेशन है उनका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ऐसे वायरसेस को हम कहेंगे रेट्रो वायरसेस कहेंगे। तो बहरहाल ये इंटरनेशनली एग्रीड जो सिस्टम है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरसेस है, इस पे जो है क्लासिफिकेशन की गई है। और क्लासिफिकेशन की एक लिस्ट है जो आपको प्योरली एंड प्योरली, जैसे आपको क्रेमिंग करनी है या मेमोराइजेशन करनी है, क्रेमिंग और मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है उसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको क्रेमिंग करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड अपॉन द होस्ट, जैसे बैक्टीरियोफेज है प्लांट, ये अभी हमने डिस्कस किया, अगर होस्ट बैक्टीरियम है तो बैक्टीरियोफेज, प्लांट है होस्ट प्लांट वायरस, एनिमल है तो एनिमल वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक बैक्टीरिया एंड इट्स डीएनए वायरस विद पॉलीहेड्रॉन हेड एंड टेल। जैसे बैक्टीरियोफेज के अंदर आपने जैसे पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज जिसमें एक हेड पोर्शन होता है, और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि अंदर हालो स्पाइक है, शीथ है, बेस प्लेट है, और यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ये जो है ऐसा यकीन हमने लोअर क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरसेस 2000 टाइप ऑफ वायरसेस हैं, डिजीज भी कराते हैं। मोस्ट प्लांट वायरसेस डिस्कवर्ड टिल टू डेट इंक्लूड टीएमवी हैविंग आरएनए जीनोम। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जनरली मोस्टली यूजली कॉमनली वो होता है आरएनए जीनोम, आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनी वायरसेस हैव रॉड शेप कैप्सिड, जैसे टीएमवी है रॉड है, पोटेटो येलो ड्वार्फ वायरस है, ये भी जैसे रॉड शेप है। एनिमल वायरसेस की कैटेगरी में पैरासाइट एनिमल्स जाहिर है, जब होस्ट एनिमल है तो उन्हें हम कहेंगे एनिमल वायरसेस। और खास तौर पे अदर एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिजीज, जो लाइव स्टॉक की मीनिंग होती है, जैसे ये कैटल्स हैं, गोट है, शीप है, काउज है, बफेलो है, उनकी माउथ और फुट के अंदर डिजीज होती है, अक्सर ये वायरल डिजीज होती है। और एक रोस सार्कोमा वायरस है, काज कैंसर। सार्कोमा लफ्स है, सार्कोमा जहां पे भी लफ्स इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग ही कैंसर काजिंग होती है, कैंसर काजिंग इन एनिमल्स। एंड मेनी वायरल इन्फेक्शन अटैक एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन सेल्स इन ह्यूमन बॉडी काजिंग द सिम्टम्स एंड डिजीज। चार यहाँ भी हमने हमारे एनटीबी में एग्जाम्पल दिए गए हैं, और भी आगे पढ़ते जाएंगे। एक जैसे वर्ड है पेपो वायरस, पेपो वायरस कोई टर्म नहीं है, मैंने देखा बुक्स वगैरह, ये परवो वायरस है, सही लफ्ज इसका है परवो वायरस, पेपो वायरस ही नहीं है कोई। काजेज वार्ट्स, जैसे एसटीबी में मौजूद है, वार्ट्स काजिंग है। पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स, जनरली पॉक्स से वायरस कहते हैं। पिकोरनो वायरस पोलियो वायरस है, हेपाटाइटिस ए एंड पोलियो, ये पिकोरनो वायरस की कैटेगरी में आते हैं। पैरामिक्सो वायरस मीजल एंड मम्स, ये क्वेश्चन मेनी टाइम टेस्ट में आया, पैरामिक्सो वायरस मीजल एंड मम्स, ठीक है, डिजीज है। तो इसी तरह से ये क्रेमिंग टाइप के क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल क्रेमिंग करेंगे, याद करेंगे, जैसे ये वार्ट्स हैं पाँव के नीचे या उंगलियों पे भी ऐसे सख्त किस्म की स्ट्रक्चर एक कभी कभार डेवलप होती है, ये वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है वार्ट्स, परवो वायरस। ऐसे वायरसेस को हम कहेंगे परवो वायरस। आखिरी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कैप्सिड की बेसिस पे, जैसे हेलिकल कैप्सिड है, टीएमवी के अंदर हेलिकल कैप्सिड है, पॉलीहेड्रॉन कैप्सिड है, एडिनो वायरस है, एनवलप्ड वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, एनवलप्ड वायरस, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है, बैक्टीरियोफेज है। तो ये सारी एनटीबी की पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप याद करेंगे। जैसे इनकी फर्क क्या है, जैसे ये हेलिकल वायरस ओवरऑल, जैसे आप कैप्सिड को देखेंगे आप ऐसा हेलिकल नजर आएगा। पोलीहेड्रोन वायरस, इनका कैप्सिड ट्राइंगल्स है, जैसे आप देखें यहाँ पे ट्राइंगल
20 साइडेड ऐसे ट्राइंगल होते हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसी तरह से ये दूसरा ट्राइंगल है, ऐसे 20 साइडेड ट्राइंगल्स होंगे। तो ऐसे वायरसेस को हम कहेंगे पोलीहेड्रोन आइकोसाहेड्रल, यानी 20 साइडेड है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसका भी एक कैप्सिड है, उसकी फीचर हमने पढ़ी है। या ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसके हेड के अंदर भी जैसे काफ़ी सारी जो है लाइक है इसमें, और एडिनो वायरस है, ये एडिनो वायरस है, इसमें भी ऐसे कैप्सिड की जो है शेप्स मौजूद है, कैप्सिड की शेप्स मौजूद है। बाकी लिस्ट है एक, वो आप बिल्कुल याद करेंगे, प्योरली क्रेमिंग टाइप के सवाल है। डबल स्ट्रैंडेड वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, स्मॉल पॉक्स इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, माइल्ड रैश वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए वायरस, डायरिया वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड एसएस के मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, रूबीला वायरस मीजल्स वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, इन्फ्लुएंजा वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये कैटेगरीज हैं जो आप बिल्कुल क्रेमिंग करके याद करेंगे, और अब फिजिक्स की क्लास होगी।